अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाम नेहाद सहाफ़ी। असद अली तूर का मामला बहुत ज़्यादा संगीन होता जा रहा है, हत्ता कि इस मामले में ISI ने भी एक बयान जारी कर दिया है। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं, ISI बहुत सारे मामूली नोयत के मामलों पर कान नहीं धरती, मगर इस मामले की संगीनियत को आप देखें कि पाकिस्तान के ISI को बयान जारी करना पड़ा है। प्यारे दोस्तों, मजीद मालूमात से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, ISI ने इस मामले में फिफ्थ जनरेशन वार का भी जिक्र किया है, और फिफ्थ जनरेशन वार दोस्तों आप समझते हैं कि क्या है। मेन मसला यह है कि दुनिया ने समझ लिया है कि पाकिस्तान को किसी दूसरे तरीके से नहीं घेरा जा सकता। पाकिस्तान को दुनिया ने माशी लिहाज से तबाह करने की कोशिश की। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया ने इंडिया के साथ मिलकर हम पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले करने की कोशिश किए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें हुई। इसके अलावा आपने देखा कि बालाकोट का मामला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया और इसमें हिंदुस्तान के दो तैयारे मार गिराए। इसके अलावा अभिनंदन को गिरफ्तार किया, और इस तरह पाकिस्तान दुश्मन कुवतों को शिकस्त का सामना रहा। उसके बाद दोस्तों आपने देखा कि इसराइल का जो मामला हुआ, उसमें पाकिस्तान ने बहुत सख्त स्टैंड लिया। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान ने अपने कद से ज़्यादा बड़ा और सख्त स्टैंड लिया, और अभी वो पाकिस्तान में यही फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने दुनिया के दीगर ममालिक को तबाह किया, जिस तरीके से इराक तबाह हुआ, जिस तरीके से अफगानिस्तान तबाह हुआ, जिस तरीके से लीबिया को उन्होंने तबाह किया, जिस तरीके से दीगर मुल्कों को उन्होंने तबाह बर्बाद किया, अब वो पाकिस्तान में वो तरीका बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अब इस सिलसिले में पाकिस्तान में जितने भी इसराइली, अमरीकी और इंडियन एजेंट्स हैं, वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। हामिद मीर ने जिस तरह से पाकिस्तानी फौज का जिक्र किया, और जिस तरह उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी टैंकों को जंग लग रहा है, तो दोस्तों ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी टैंकों को जंग नहीं लगा। पाकिस्तान के लोगों ने अपने जिस्म के साथ बम बांधकर हिंदुस्तानी टैंकों को तबाह किया। पाकिस्तान ने अभी हिंदुस्तानी तैयारे मार गिराए। हिंदुस्तान दुम दबाकर भागा है खत्ते में जंग से, मगर इसके बावजूद उसने ये बात कही। तो ये फिफ्थ जनरेशन वार शुरू हो गई है, और आप अलर्ट रहें, इसका हिस्सा ना बने। दोस्तों, पाकिस्तान में एक आर्मी है और ISI है, जो कि इस मुल्क की हिफाजत की जमानत है, जो इस मुल्क की बका की जमानत है, और अब दुश्मन आर्मी और ISI के पीछे पड़ गया है। दोस्तों, इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि ISI इस मामले का तोड़ निकाल लेगा, और ये लोग जो खुलकर सामने आ गए हैं, जो इंडियन एजेंट्स है, जो इसराइली एजेंट्स है, ये हामिद मीर जैसे कुत्ते, ये सलीम साफी जैसा कुत्ता, और ये दूसरे जो साफी है, आप जानते हैं सबको, अब इंशाल्लाह इनकी बारी आ गई है, और ISI इनको एक साइड पर लगाएगी, ISI इनको सबक सिखाएगी। मगर दोस्तों, आपने इस मामले में अपनी फौज और ISI को सपोर्ट करना है, इन लोगों को सपोर्ट नहीं करना, वरना याद रखे, इराक ना भूले, लीबिया को ना भूले, हमारे नज़दीक मुल्क अफगानिस्तान को कभी ना भूले। पाकिस्तान में ये सब हो सकता है, मगर इंशाल्लाह हम होने नहीं देंगे। अल्लाह हाफिज़।